हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ विनय पांडे। मैट्रिसेस का आज सेकंड वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कल से हमने इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करी थी मैट्रिसेस की। तो लास्ट वीडियो जो था, हमने मैट्रिसेस के बेसिक डेफिनेशन और मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिसेस का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में देख ली थी। डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो के लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पूरा वीडियो में पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, कि मैट्रिसेस अलग अलग टाइप्स की जो मैट्रिसेस होती हैं उनको हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन से टाइप की मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम होगा। तो काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस में हमने देखा था कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे लिखा था हमने, और उसका ऑर्डर जो था वो था एम बाई एन, जहाँ एम उसके नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी और एन जो था नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमको उससे टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मिल जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। सबसे पहला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि स्क्वायर जो वर्ड होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है। और मैट्रिसेस में हमने देखा था डेफिनेशन क्या थी, कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ए बी सी डी, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है इसमें, फर्स्ट रो सेकंड रो, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, टू, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 बाई 2। और इसको अगर आप ऐसे इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने पे जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होगी इसमें। ऐसे ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको देखिए आप, इसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3। इसमें भी स्क्वायर फॉर्म बन रही है। अगर मैं ए बी सी डी ई एफ करूँ तो क्या यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं बन रहा है। इसका ऑर्डर 3 बाई 3 था, इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो कॉलम टू। तो एग्ज़ाम्पल से समझ में आ गया आपके कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्क्वायर मैट्रिसेस। क्या कंडीशन है इसके लिए, कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों इक्वल हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन हो गई। डेफिनेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आपको बुक्स में डेफिनेशन मिल जाएगी, आप डेफिनेशन वहाँ से देख सकते हैं। हम सिर्फ कंसेप्ट पे जाएंगे कि मैट्रिसेस जो अलग अलग टाइप्स की होती है वो कैसे हम उनको पता लगाएं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको क्लियर है। आते हैं सेकंड टाइप की मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। नाम से इसके भी पता लग रहा है, अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, फॉर एग्जांपल ए बी सी, इसमें हम देखिए एक ही रो है, रो वन कॉलम थ्री, 1 बाई 3। ऐसे ही 1 2, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, 1 बाय 2। तो किसी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, सिर्फ एक सिंगल रो होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में आपको पता लग रहा है कि किसी मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोज़ कितनी है इसकी, 3, कॉलम कितना है, 1। ऐसे 1 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 बाई 1। तो किसी मैट्रिक्स में अगर ओनली वन कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये तो बात हो गई स्क्वायर मैट्रिक्स की, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर इक्वल। इफ़ अ मैट्रिक्स हैव ओनली वन रो देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, अगर सिर्फ एक कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स होता है अगर किसी मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट इज़ जीरो। किसी मैट्रिक्स में अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। ये देखिए आप, ये भी नल मैट्रिक्स है। तो देखिए, नल मैट्रिक्स की और कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ ये बाउंडेशन है
कि सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स में जीरो होने चाहिए। इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे नल मैट्रिक्स से एग्जांपल है। तो नल मैट्रिक्स में देखिए आप, नल मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स, में भी रो मैट्रिक्स, में भी कॉलम मैट्रिक्स। तो जो नल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, या रो मैट्रिक्स भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकती है। किसी भी, जो स्टार्टिंग के तीन टाइप्स हमने पढ़े, उन तीनों टाइप्स में से किसी भी टाइप की मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो सकती है। कब? जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। या मैं इसको अगर मुझसे कहा जाए कि रो मैट्रिक्स का एग्जांपल दो, तो इसको मैं रो मैट्रिक्स के एग्जांपल में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल में लिख सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल में लिख सकता हूँ। उसके साथ ही साथ ये जीरो मैट्रिक्स भी है। इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स एंड ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स एंड ऑल्सो अ रो मैट्रिक्स। इट इज़ अ स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स एंड अ कॉलम मैट्रिक्स। तो ये फोर टाइप्स की मैट्रिसेस हमने पढ़ी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और ये डायगोनल मैट्रिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम जाएं तो किसी, देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगी जब वो ऑलरेडी पहले से क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स आपसे पूछी जाए कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, और वो पहले से आपको दिख रहा है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर उसमें अलग अलग हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगी तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगी। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ये 1 2 3 लिख दिया मैंने, देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको भी ध्यान में रखिए आप, यह है प्रिंसिपल डायगोनल। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को इस शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसे लिखा जा सकता है, डायगोनल DIAG और ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 1 2 3। तो तीन एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब 3 बाई 3 की मैट्रिक्स हो गई है। और डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल में 1 2 3 आप लिख लेंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे मेन कंडीशन याद रखनी कि इट शुड बी, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए भी मैट्रिक्स को स्क्वायर होना ज़रूरी है, प्लस डायगोनल होना भी ज़रूरी है। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो कंडीशन डिफरेंट क्या होगी इसमें? कंडीशन ये डिफरेंट है कि जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्लस डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर मैं एग्जांपल चेंज करूं 2 3 0 0, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके डायगोनल को छोड़ करके बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल के एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट, अगर सेम एलिमेंट्स होंगे डायगोनल में तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो
इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे से ये सारे मैट्रिसेस के टाइप्स, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। डायगनल मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके नॉन डायगनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। डायगनल भी होनी चाहिए, डायगनल का मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट्स इसके जीरो होने चाहिए, प्लस जितने भी डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स, तो आंसर इज ट्रू। इसको आपको याद भी रखना है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, ये आपको याद रखना है कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट टाइम में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, अ यूनिट मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से वही कंडीशन आ गई, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डायगनल भी होनी चाहिए और डायगनल के साथ साथ ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर वन। तो कैसा इसका एग्जांपल क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम बराबर होंगे, पहली कंडीशन। डायगनल एलिमेंट्स हैं तो अगर मैं इसको 2x2 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो नॉन डायगनल एलिमेंट्स यानी कि प्रिंसिपल डायगनल को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि डायगनल के एलिमेंट्स सारे क्या होने चाहिए, वन वन होने चाहिए। तो ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो क्या हो जाएगी, डायगनल के एलिमेंट्स वन 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 और बाकी सारे जीरो। तो इसमें भी आप देखिए कि यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स भी होगी ये। डायगनल मैट्रिक्स के साथ साथ अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो वो स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्यों है, क्योंकि इसके डायगनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो सेम आ रहे हैं। तो तीनों टर्म्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। दोबारा से देखिए, डायगनल मैट्रिक्स क्या होगी, प्रिंसिपल डायगनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नॉन डायगनल प्रिंसिपल डायगनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए और साथ ही साथ इसके जो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तीसरी यूनिट मैट्रिक्स हमने देखा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, डायगनल मैट्रिक्स भी होगी, यानी कि प्रिंसिपल डायगनल को छोड़ करके बाकी सारे जीरो होंगे और उसके साथ ही साथ जो प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स वन होने चाहिए, यानी कि यूनिटी होने चाहिए। अब आते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है, ट्राइंगल वर्ड है इसमें। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। यहाँ देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। एक दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 0 0 0। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें प्रिंसिपल डायगनल को ज्वाइन करें आप और जो जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करें, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और बाकी जितने जीरो जीरो जितने बच रहे हैं उनके अलावा अगर हम उनको ज्वाइन करने के बाद डायगनल के ऊपर, डायगनल एंड डायगनल के ऊपर अगर सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है तो ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी देखिए आप, डायगनल और डायगनल के नीचे सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो हैं तो ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है। ये इसमें जो ट्राइंगल है वो ऊपर की साइड बन रहा है तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो गई, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और इसमें नीचे की साइड ट्राइंगल बन रहा है तो ये कैसा कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ये दो टाइप्स की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि द ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमने मैट्रिसेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े। इसमें एक टर्म और आता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर आपको नेगेटिव लेना है, जैसे ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव अगर हम लेंगे तो इसमें सारे एलिमेंट्स माइनस में आ जाएंगे। इसको नेक्स्ट वीडियो में भी हम देखेंगे। तो ये मैट्रिसेस का सेकंड वीडियो,
जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया है। दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिए आप। आगे के जो मैट्रिसेस के वीडियोस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एडिशन मैट्रिसेस का कैसे होता है। तो अगर आप इनको चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो आगे बड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा इन वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, क्योंकि हमारी दो सीरीज़ कंटिन्यूसली इस चैनल पर चल रही हैं, एक तो हायर एजुकेशन में मैं वीडियोस चला रहा हूँ जिसमें इनफाइनाइट सीरीज़ के वीडियोस चल रहे हैं, तो वो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इनफाइनाइट सीरीज़ का होगा। देन उसके बाद फिर से मैट्रिक्स का वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। तो तब तक इन दोनों वीडियोस को आप देखें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। जल्दी मिलते हैं।